सुने होंगे तो आप ही बता सकते हैं, हम तो ऐसा नहीं सुने हैं। तो आप मिले थे उनसे? अमित शाह से भी भागिए बेटी सारे पर काम कर रहे हैं क्या आप? बीजेपी के सारे पर काम कर रहे हैं, कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं, भारत के बिस्कोमान के भी मिनिस्टर वही हैं, सरकारी कार्यक्रम भारतीय राष्ट्रीय सहकारी कार्यक्रम में वो आए हुए थे, मैं उसके बोर्ड में भी डायरेक्टर हूँ। 1 तारीख को पूरे देश का कोऑपरेटिव कांग्रेस हुआ, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी आए, अमित शाह जी आए, और उस फोटो को मैंने अपने पेज पर लगाया है। वो ये नहीं है कि किसी के कोठरी में मिल रहे हैं, किसी के रूम में मिल रहे हैं, और उसी फोटो को लेके जो मीडिया वाले लोगों ने बात का बतंगर बनाया है, ये बिल्कुल दुर्भाग्य। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह पर जोरदार हमला किया नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ने सुनील सिंह को कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं, आपका फोटो हमने फेसबुक पर देखा है कि आप अमित शाह से मुलाकात किए हैं। इस बात का खुलासा कर दिया कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने। अब सुनील सिंह से भी यह सवाल पूछा गया कि आखिरकार जो बातें कही जा रही है कि आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बात कही है और कहा है कि आप भाजपा में जाना चाहते हैं, सुनील सिंह ने अपनी पूरी सफाई पेश की है। उन्होंने बताया कि हम 30 साल से हैं लालू प्रसाद यादव के साथ, और जो लोग इस बात को फैला रहे हैं उन लोगों से कह दीजिए, और नीतीश कुमार ने जो बातें कही है तो हम उनको आशीर्वाद के तौर पर लेते हैं, और जो बयान दिया जा रहा था उसको लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमें मना कर दिया है, किसी भी बयान नहीं देना है, कोई भी बयान नहीं देना। सुनील सिंह आरजेडी एमएलसी नीतीश कुमार की बातें सुनने के बाद क्या कुछ सफाई पेश कर, जरा सुनिए। सुने होंगे तो आप ही बता सकते हैं, हम तो ऐसा नहीं सुने हैं। तो आप मिले थे उनसे? अमित शाह से भी भागिए बेटी सारे पर काम कर रहे हैं क्या आप? बीजेपी के सारे पर काम कर रहे हैं, कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं, भारत के बिस्कोमान के भी मिनिस्टर वही हैं, सरकारी कार्यक्रम भारतीय राष्ट्रीय सहकारी कार्यक्रम में वो आए हुए थे, मैं उसके बोर्ड में भी डायरेक्टर हूँ। 1 तारीख को पूरे देश का कोऑपरेटिव कांग्रेस हुआ, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी आए, अमित शाह जी आए, और उस फोटो को मैंने अपने पेज पर लगाया है। वो ये नहीं है कि किसी के कोठरी में मिल रहे हैं, किसी के रूम में मिल रहे हैं, और उसी फोटो को लेके जो मीडिया वाले लोगों ने बात का बतंगर बनाया है, ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। और ध्यान से समझिए, मेरे इंटीग्रिटी पर इस देश का कोई भी व्यक्ति शंका नहीं कर सकता है। 27 साल से मैंने कितने झंझावात देखा, कितने तूफान देखा, और चट्टान की तरह लालू जी के साथ हैं, कल भी थे, आज भी हैं, और जब तक जिंदा हैं तब तक हैं। और बाकी बात जो समझना है, जो आदमी के बारे में आपको बताया, जरा आप उन्हीं से बयान ले लीजिए। ने कहा है कि बीजेपी के सारे पर हैं, लेकिन आप आए नहीं। आपको कई बार उन्होंने कहा कि फोन दिखाओ, लेकिन आप मिले नहीं। देखिए, हमें माननीय मुख्यमंत्री का फोन आया, तो कौन ऐसा बिहार का व्यक्ति होगा जो दौड़ कर नहीं जाएगा? ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का अगर संवाद आ जाए कि भाई आपको माननीय मुख्यमंत्री से मिलना है, सभी के नेता हैं, महागठबंधन के नेता हैं, हम लोग के अभिभावक स्वरूप है, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो नहीं जाएगा? लेकिन अगर किसी ने कहा कि 20 बार आपको संपर्क किया गया, आप आए नहीं। बड़े आदमी हैं, अभिभावक हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, हम उनके बात का कैसे प्रतिकार कर सकते हैं? हम लोग तो गैर जुवार व्यक्ति हैं नहीं, तो इसलिए उनके बात का हम कोई भी प्रतिकार नहीं करते हैं, और जो भी अगर बोले होंगे भी तो समझिए कि मेरे लिए आशीर्वाद ही होगा। क्या वाकई बीजेपी के संपर्क में कई लोग हैं क्या? वो उनको उनकी बातों से ऐसा तो लगा? जिनके जिनके बारे में बोला उनसे न पूछिएगा, हमारे बारे में पूछे तो हम तो आपको बताए ना। जब तक हम जिंदा रहेंगे, अरे उस शंका क्या, हमको अपने पार्टी से मतलब है यार। तो क्या ये जो सब कुछ हो रहा है भाजपा के कारण? जब हम, मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि आज 27 वर्ष हो गया लालू जी के साथ, ठीक है, अब 3 साल और होगा तो 3 दशक हो जाएगा, ठीक है। अब जब तक हम जिंदा हैं तब तक उन्हीं के साथ है, माननीय लालू प्रसाद जी के साथ, उनके परिवार के साथ, और कोई पार्टी लेवल पर हम जुड़े हुए नहीं है, भावनात्मक रूप से मेरा पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। क्या लगता है आपके बयानों को लेकर नाराजगी है? आपने कहा देश का सबसे अविश्वसनीय चेहरा कौन है यूपीएससी में, इस तरह के सवाल? देखिए, वो सब बीते दिनों का बात हो गया, क्यों विवाद बढ़ाना चाह रहे हैं, अनावश्यक वो सब बात है। नीतीश कुमार पेड़ से उसको हटा दिया, समझे ना, जो कन्फ्यूजन हुआ, किसी ने पूरे जंगल राज को याद दिलाने लगा, कोई डॉक्टर के किडनैपिंग को याद दिलाने लगा। और देखिए, हम फिर आपको बताते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट मना किया है कि कोई भी तरह का आपको बयान नहीं देना है, ना हाँ बोलना है, ना बोलना। आप आहत हैं नीतीश जी, पलटी मार रहे हैं क्या? चलिए, नीतीश जी पलटी मार रहे हैं क्या फिर से? ठीक है रे, चलो।